वेलकम बैक टू आवर शो जेपी सिनेमा प्रेजेंट सिनेमा की बात, और मैं हूं आपकी होस्ट निकिता चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हो रही तीन नई मूवीज के बारे में, जिसमें से पहली मूवी है शेफ। शेफ में स्टारिंग कास्ट में सैफ अली खान और पद्म प्रिया जानकी रमन एज स्टार कास्ट काम कर रहे हैं, और इनके बेटे का रोल कर रहे हैं अरमान वर्मा। ये वही लड़का है जिसे हमने रावण में देखा था एज शाहरुख खान सन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रामाकृष्ण मेनन ने। इन्होंने इससे पहले एयरलिफ्ट को डायरेक्ट किया था, पर एयरलिफ्ट के डायरेक्शन को देख के मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मूवी अच्छी नहीं होगी। वेल, इस मूवी में सैफ अली खान एक सक्सेसफुल शेफ बनने के लिए अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ के विदेश चले जाते हैं। फिर उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने बच्चे की जिम्मेदारियां तो उठा ली, पर बच्चे को कभी गोद में नहीं उठाया। तो अब वो बच्चे को गोद में उठाने के लिए ऑल द वे टू इंडिया आते हैं। इंडिया में आने के बाद बच्चा गोद से उतरने को तैयार नहीं है। अब सैफ अली खान बच्चे को गोद से उतारने के लिए क्या क्या करने वाले हैं वो तो मूवी में ही पता चलने वाला है। पर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कैमियो रसल पीटर्स आने वाले हैं। बता दूं मैं आपको, रसल पीटर्स ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। बहुत ही फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन है ये। हमारी नेक्स्ट मूवी है तू है मेरा संडे। वेल, ये वो मूवी है जिसका प्रीमियर देख के स्वयं श्री आमिर खान साहब ने इसकी तारीफ की है। आई एम श्योर कुछ तो बात होगी ही। वेल, सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टार कास्ट बता दूं, क्योंकि बड़ी भारी है भाई, बड़ी भारी है। इसमें विशाल मेहलोत्रा, वरुण सोबती, सुहाना गोस्वामी, शिव सुब्रमण्यम, अविनाश तिवारी, रसिका दुग्गल, नकुल भल्ला, जय उपाध्याय, मानवी गगरू। वेल, इसकी इस मूवी की कास्ट कुछ ज्यादा जानी पहचानी तो नहीं है, बट भारी भरकम बड़ी है। अब इतने सारे लोग होंगे तो भारी भरकम तो होगी ना भाई। तो भाई, इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि छोटे छोटे शहरों के चार पांच लड़के बड़े शहर में आते हैं और वो कुछ खेलना चाहते हैं, पर जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें डांट के भगाते हैं। बाकी की स्टोरी जानने के लिए आपको टिकट लेके मूवी ही देखनी पड़ेगी। अब सब मैं ही थोड़ी बता दूंगी यार, और वैसे भी आमिर खान हर दिन किसी मूवी की तारीफ नहीं करता। आई एम श्योर इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आ जा, 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 जा। याद आया कुछ? आया नहीं आया? नो नो, नॉट अक्सर, इट्स अक्सर टू। इट्स अ थ्रिलर मूवी। इसका डायरेक्शन और राइटिंग दोनों ही अनंत महादेवन ने की है। इन्होंने खुद भी छोटी बड़ी मूवीज और सीरियल्स में एज एन एक्टर काम किया है। इस मूवी में जो इसका म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे हैं उनका नाम है मिथुन शर्मा। मिथुन शर्मा ने इससे पहले द ट्रेन, अनवर और शिवाय जैसी मूवीज का म्यूजिक डायरेक्ट किया है। आई एम वेरी श्योर इस मूवी का म्यूजिक भी धमाल होने वाला है। तो भाई, जितनी जानकारी मुझे मूवीज के बारे में थी मैंने आपको दी। अब मूवी देखने के लिए आपको जेपी सिनेमा में टिकट बुक करानी पड़ेगी और मूवी देखने जाना पड़ेगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।